हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसडी नॉन जीडी 2020 ड्राइवर आया, वेटनरी और ट्रेड्समैन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मेडिकल के लिए भी तैयारी चल रही है और मेडिकल अपडेट आप वहां कभी भी हो जाए, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के हैं जो यहाँ डिस्कस करते हैं, जो शेयर किया आप लोगों ने। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये बताता हूँ कि आप कोई पॉइंट शेयर करते हैं उसके लिए आपको नंबर बता दिया जाएगा, उस पर आप अपना पॉइंट शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं। अब वो फिट होगा या नहीं होगा, कितना बता सकते हैं, वो देखिए वो डिपेंड करता है कि वो आपका पॉइंट हमें कितना किस लेवल तक समझ आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनका पहले आर्मी में ये अनफिट हुए थे, टेरिजियम का इनका पॉइंट था। टेरिजियम का मतलब है कि जो कॉर्निया जो है उसको इस तरीके से उसमें मास बढ़ जाता है और वो कवर करता रहता है, और ये कई बार क्या होता है कि फिक्स हो जाता है, कभी ये बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव कहते हैं उसको। तो आर्मी में ये पॉइंट में ये अनफिट हो गए। उसके बाद अब ये कहते हैं कि मैं एसएसबी में क्या होगा, तो एसएसबी में देखिए अब इसका ट्रीटमेंट आप करवा लें वो बेहतर होगा, क्योंकि एसएसबी में भी ये पॉइंट आपको मिल सकता है और रीमेडिकल का आपको समय नहीं मिलेगा। डेंटल पॉइंट का बहुत सारे कैंडिडेट्स को इश्यू है, डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए, तो पास होने के लिए डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। मेरा एक मोलर खराब है, उससे कोई प्रेशर नहीं होगी, लेकिन आपके डेंटल पॉइंट 14 होने चाहिए। दो मोलर खराब है तो भी परेशानी नहीं होगी, डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। अब आपका अलाइनमेंट नहीं है दांतों का तो उस स्थिति में परेशानी हो सकती है, वो भी आपको दिखाएंगे इसी में तस्वीर। इनको 11 डेंटल पॉइंट किया गया था, अनफिट कर दिया गया। एसएससी जीडी की कैंडिडेट हैं, कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ कदमतला वेस्ट बंगाल, आप देख रहे हैं रीमेडिकल में अनफिट हो गए। कलर विजन जो है वो हमारे ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए CP2 होना चाहिए कि हाई कलर विजन उनका होना चाहिए, और बाकी ट्रेड्स जो हैं उनके लिए CP4 जो है वो ट्रेड्स के लिए CP4 चले। हालांकि बीएसएफ ट्रेड्समैन में उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है, उसको CP3 कर दिया गया। तो CP4 CP3 कौन सी बुक आती है, अलग से कोई बुक नहीं आती। आपका रेस्पॉन्ड टाइम कितना है, आप कितनी प्लेट पढ़ पाते हैं, आप किस प्लेट में आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उन सब पर डिपेंड करता है। जो कलर कॉम्बिनेशन है उसकी पहचान आप किस कितने समय में कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग CP4, 3, 2 ये सब होता है। अब CP5 है तो आप फिट नहीं हो सकते, वेरिकोज वेन। अब वेरिकोज वेन का देखिए ट्रीटमेंट, तीन ट्रीटमेंट है इसके। एक तो है इसका सर्जरी, जो कि आपने करवा लिया तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि आपको सर्जरी करवा के आप फिट नहीं हो पाएंगे। वेरिकोज वेन ही एक ऐसा पॉइंट है कि जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसको फोर्सेज उसको अलाउ नहीं करती। उनका ये मानना है कि बेसिक डिफेक्ट्स जो है वो चेंज नहीं होता, वो बना रहता है हमेशा। दूसरा इसका है एक जुगाड़ वाला इंजेक्शन, जो इंजेक्शन कितना कारगर है कितना नहीं है वो देखिए 50% तक वो कारगर है और 50% कारगर नहीं। एक ट्रीटमेंट इसका है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट भी यदि डिटेक्ट हो गया उस स्थिति में भी आप अनफिट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी कि लेजर टेक्निक जो है वो हालांकि कॉस्टली जरूर है, लेकिन वो आपका इलाज ऐसा कर देता है कि वो डिटेक्ट नहीं होता, और थोड़ा समय यदि आपको मिल जाता है तो वो निशान जो है वो उसके हल्के हो जाते हैं। टैटू यदि इस तरीके के हैं तो वो चाहे कहीं भी है आप उसको रिमूव करवा लीजिए। रिमूव करवाने के जो तरीके हैं वो भी आपको बताएंगे इसी में, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रिमूव होता है। ये रिलीजियस नहीं है तो इसको भी आप हटवा दें तो ज्यादा अच्छा रहे। कुछ इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, कैंडिडेट की माँ लिखा है तो रिलीजियस है, नहीं ये रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस है, ओम है, जो शिव आपने लिखा हुआ है, शिव का तस्वीर बनाया हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, 786 लिखा हुआ है, ये सब रिलीजियस में आते हैं। क्रॉस बनाया हुआ है, लेकिन वो क्रॉस में भी आपको प्रूव करना होगा कि उस क्रॉस को आप मानते हैं। टैटू था इनका, इन्होंने क्या किया कि टैटू 5 सिटिंग 6 सिटिंग वाला टैटू रिमूव करवाया। यहां पर आप देख रहे हैं कि अब ये लास्ट में क्या होता है कि 5 सिटिंग की बात होती है, लेकिन 5वां सिटिंग होते होते ना तो टैटू कंप्लीट रिमूव होता और ये स्किन को उखाड़ना शुरू,
अब स्किन को उखाड़ना शुरू कर दिया, उस स्थिति में वो टैटू जो आपका रिमूव कर रहे हैं वो आपको क्या कहेंगे कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा। उनको नहीं पता है कि मेडिकल गाइडलाइन क्या है। और अभी ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एक सिटिंग में टैटू कंप्लीट रिमूव होता है, होता है हमारे पास एक सिटिंग में ही होता है, जरूरत रहता है दूसरा सिटिंग, उसका कोई चार्ज नहीं होता दूसरे सिटिंग का। ये नहीं है कि पर सिटिंग चार्ज होगा, जनरली टैटू वाले पर सिटिंग चार्ज लेते हैं, 5 सिटिंग 7 सिटिंग 9 सिटिंग भी हो गया उसके बाद भी नहीं हुआ और लास्ट मोमेंट में क्या स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। ब्रेसेस आपने लगवाए हुए हैं तो वो देखिए, जब आपका मेडिकल होता है उससे 2 दिन पहले आप उसको रिमूव करवा दीजिए, ब्रेसेस डिटेक्ट नहीं होंगे। ब्रेसेस के साथ जाएंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ये दांतों के अलाइनमेंट के लिए। ये बिग टो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को होता है, हैमर टो होता है, उसका रीजन है टाइट शू। या जो हमारे कैंडिडेट्स फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उनको ये परेशानी काफी हो जाती है, फीमेल कैंडिडेट्स को ये परेशानी ज्यादा होती है उनका फुटवियर का जो बनावट है उसकी वजह से। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, जला हुआ है तो फिट हो जाएगा लेकिन विटिलिगो है तो फिट नहीं। एसएससी जीडी में एक कैंडिडेट का जला हुआ निशान जो था उसको विटिलिगो मानकर अनफिट कर दिया, उन्होंने बर्न मार्क है, इसके आधार पर उन्होंने स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया और ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया। उनका रिट पिटीशन अभी चल रहा है, वो आउटकम उसका आया नहीं है लेकिन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन है कि बर्न मार्क है तो विटिलिगो मानकर अनफिट नहीं किया जा सकता, बर्न है तो फिट है। लेकिन बर्न में ये चीज है कि देखिए वहां पसीना आना चाहिए, सिंपल सा तरीका है उसको समझने का कि आपका बर्न फिट होगा या नहीं होगा, पसीना आता है उस पर तो आप फिट हो जाएंगे, यानी पसीने की ग्रंथियां आपकी सही। ये जो डेंटल पॉइंट डेंटल आप देख रहे हैं, दांत आप देख रहे हैं, इनमें इस इन कैंडिडेट को अनफिट किया गया है। अनफिट होने के बाद इन्होंने तस्वीर शेयर की है कि ये मुझे दांतों में अनफिट किया गया। कैसे अनफिट किया गया कि डेंटल पॉइंट 14 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि मोलर या तो पूरा नहीं है या ये आगे वाला जो है ये काउंट नहीं हुए तो 4 पॉइंट ये कम हो गए, जिसके पूरे 16 दांत होते हैं उसका 22 डेंटल पॉइंट होता है। ये बहन है, इन्होंने जानना चाहा था कि क्या मेरा नॉकनी है, बिल्कुल नॉकनी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा टाइट इन्होंने किया हुआ है लेकिन जो एंकल है इनका वो बिल्कुल टाइट नहीं करना है। टाइट करने से आप कहते हैं कि जेन्यू रेट्रोवर्टम पॉइंट हो जाएगा, इनका भी बर्न है, बचपन में करंट लग गया था उसकी वजह से ये जले हुए निशान है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए बहुत ज्यादा है बड़े निशान हैं तो वो अनफिट है और छोटे निशान हैं तो वो फिट हो जाएगा। कोलर बोन में फ्रैक्चर हुआ था बचपन में, उसके बाद ये सही तरीके से नहीं जुड़ी और ये यहां से ऊपर उठी हुई है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अनफिट होने के चांसेस ज्यादा। ये सीधा नहीं होता, अब ये फिट अनफिट दोनों देखा है हमने, फिट भी देखा है कि लिटिल फिंगर मेडिकल अफसर डिपेंड करता है, ग्रिप सही है तो फिट कर देते हैं इसमें। इस स्थिति में बहन नेहा ने जानना चाहा था कि मुझे ये टैटू की वजह से क्या परेशानी होगी, बिल्कुल इसकी वजह से आपको परेशानी होगी, इसको आप समय रहते आप रिमूव करवा लीजिए। रिमूव करवाने के 2 तरीके हैं, उन पर भी हमारे ये देखिए ये बर्न जो है वही करंट की वजह से बर्न, तो चांसेस कम है। टैटू यदि इतना सा बचा हुआ है तो भी क्या अनफिट कर देंगे, बिल्कुल अनफिट कर देंगे। टैटू यदि नजर आ गया तो बेहतर यही है कि उसको समय रहते रिमूव करवा लें, क्योंकि आपको बाद में अफसोस होगा कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, ये इनको जन्म से है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरीके का हड्डी का बनावट है ये स्कल का, ये चोट लगा था बचपन में, क्या इसमें पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट तो मिल सकता है लेकिन ऐसे चोट रीमेडिकल यदि मिलता है तो उसमें फिट हो जाता है। एक सिटिंग में ऐसा हुआ है तो अब 4 सिटिंग 5 सिटिंग वाला है सिस्टम इनका, कोशिश ये करें कि 1 सिटिंग मैक्सिमम 2 सिटिंग में आपका टैटू, क्योंकि 4 सिटिंग 5 सिटिंग वाले हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो टैटू भी नहीं रिमूव हुआ, पैसा भी लग गया और अनफिट भी हो गए और बाद में क्या करना पड़ा कि वो खराब ऐसा हो गया कि उसको सर्जरी करना पड़ा। ये टेरिजियम आप देख रहे हैं कि कॉर्निया को देखिए ढक रहा है, तो इसका इलाज हो जाएगा। इसका
अब ऐसे बहुत सारे तस्वीर आते हैं कि मेरा चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या, इस चेस्ट को देखकर तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चेस्ट अब मेजरमेंट में कम हो या एक्सपेंशन में कम हो, तो उसके हिसाब से आप माप कर देख लीजिए। चेस्ट का बनावट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नी पर चोट लगा था क्या, इसका कोई इश्यू होगा? नहीं, ऐसे चोट से कोई इश्यू नहीं। ये देखिए, इन्होंने क्या किया, टैटू का सर्जरी करवाया, और सर्जरी करवा के ये स्टिचेस मार्क्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा, तो इनका स्ट्रॉन्ग काम हुआ है। अब ये लाइन रहेगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिट होगा। लेकिन ये यहां पर सर्जरी की वजह से क्या होता है, कई बार ये खुल जाते हैं स्टिचेस और यहाँ किलोइड बन जाता है, फिर आपको लेजर करवाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि पहले ही हम लेजर से करवाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए, रिमूव करवा लेना चाहिए, अनफिट फॉर ल्यूकोडर्मा, वही विटिलिगो, उसकी वजह से अनफिट हो गए। सेक्टर हेडक्वार्टर कुछ बिहार BSF 4/8/2023 SSC GD कैंडिडेट है। तो आप देख रहे हैं कि छोटा पैच है, बड़ा पैच है, जैसा भी, ये छोटे पैचेस जो है उसको हाइड किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैचेस का मेकअप नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में ये नेल पर चोट लगा था बचपन में, फिट हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लव कट्स, क्या इसमें अनफिट है? देखिए, यदि मल्टीपल कट मार्क्स हैं तो फिट होने के चांसेस यहां पर कम। फिट भी होता है मल्टीपल कट मार्क्स, लेकिन वहां आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपको ये चोट कैसा लगा। आपने फर्स्ट इंस्टांस से आपने स्वीकार कर लिया आपने कि मैंने खुद से काटा। मेडिकल अफसर पूछता है आपको कि ये कैसे लगा, खुद से काटा है? हाँ जी, खुद से काटा है। खुद से काटा है तो फिट नहीं होगा। आपका एक्सीडेंटल कट है, आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, आपका मनोस्थिति चेक होगा, क्या है दबाव में रहने की, कितना दबाव झेल सकते हैं, मेंटल स्टेट क्या है, डिप्रेशन की हिस्ट्री तो नहीं रही है। और उस स्थिति में यदि उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, आप फिट हो जाते हैं। स्किन डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएंगे। ये देखिए, अब कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए मेल फीमेल दोनों के लिए देखिए ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कट ऑफ पूछने के लिए, आप ये पूछते हैं कि मेरा कट ऑफ इतना आ रहा है, मुझे क्या करवाना चाहिए? देखिए, कट ऑफ के लिए तो हम माफी चाहेंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपका 80 है, 85 है, 70 है, कॉबलर ट्रेड है आपका, SC कैटेगरी में है, ड्राइवर ट्रेड है आपका, आपको खुद को पता है, आप वहां जाकर आए हैं, आप बहुत सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो आप देख रहे हैं स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं है कि डिफेंस एकेडमी में जिस तरीके से होता है कि एक फौजी साहब ने मेडिकल कर दिया, वो सिस्टम नहीं है। कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका स्पेशलिस्ट के द्वारा पूरा रिपोर्ट तैयार करके आपको दिया जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या हम उस रिपोर्ट को वहां दिखा सकते हैं? देखिए, वो प्राइवेट हैं सभी डॉक्टर्स, तो उस रिपोर्ट का वजूद नहीं है। आपको अनफिट किया जाता है, उस स्थिति में आप गवर्नमेंट से, आप या मेडिकल कॉलेज से, एम्स से, PGI से, उनसे आप रिपोर्ट लेकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसका भी प्रावधान है। हालांकि मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि रीमेडिकल के बाद कोई अपील नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी होती है, और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट काम करके फिट हुए हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। अब आप लोग तस्वीर शेयर करने के लिए पूछते हैं, तस्वीर शेयर करने के लिए आपको दूसरा नंबर दे देते हैं। हाइट वेट चार्ट आपको चाहिए, उसके लिए नंबर दे देते हैं आपको। टैटू रिमूवल के लिए आप टैटू का पिक भेजते हैं, उसका चार्ज कितना है उसके लिए आप, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप शेयर कर दीजिए। अब आप अनुरोध करते हैं कि दो मिनट, एक मिनट, वो अनुरोध देखे संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिप्लाई करना होता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, शुभकामनाएं, जय हिंद।
नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSCGD का चेकअप वही से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।